ये ना TDS मेजर करता है, मतलब पानी आपका पीने लायक है या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। हाँ ये अच्छा स्मेल है। हैंगिंग करना है आगे रखने से। ये इस तरह से कवर कर कवर सकते भी हैं। किया है। सो और एक मैंने लिया है, वो है ये। वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ। हैंगिंग करना है आगे रखने से। ऐसे रखें तो कोई दिक्कत है क्या? इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा पानी निकालने के लिए ना हाँ। थोड़ा मुश्किल होता है अगर मतलब हैंगिंग नहीं करेंगे तो। ना हैंग करेंगे तो हाँ ठीक हो जाएगा सर। ठीक है, बॉटल में पानी लेने ठीक है, वही करना है ना हाँ। फाइनली ना इसका इंस्टॉलेशन हो गया है। ये ना साइज में थोड़ा सा बड़ा है। ये इतना कितने लीटर है जनो? ये 10 लीटर का है। ये 10 लीटर का है। पहला वाला 7 लीटर का था। 7 लीटर का था। हाँ। टीवीएस चेक कर लेते हैं। ये TDS ना आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये ना TDS मेजर करता है, मतलब पानी आपका पीने लायक है या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। ये हमने ऑनलाइन अमेज़न से लिया है। Hey guys, welcome back to the channel. वो रही कृति। कृति ने आज नया ड्रेस पहना है। हाँ। इधर आ जाओ, ये देखो इसे घुमा देते हैं ना। ये रही कृति की नई ड्रेस। हाँ। उसके साथ ना मैंने जैकेट डाल दिया क्योंकि ये स्लीपलेस है, तो इसीलिए बाहर बारिश हो रही है, वेदर बहुत ठंड है, तो इसके लिए बोला कि चलो एक जैकेट डाल दो। बट हाँ, हाथ में डाल लिया उसने, जो जिप है वो नहीं लगाया है। सो कैसा रहा कृति का नया ड्रेस? ये हमने ऑनलाइन मंगवाया था और ये ना एकदम प्योर कॉटन का है और घर में पहनने के लिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं ना चश्मा पहन लूँ, मैंने मास्क पहन लिया है, एकदम रेडी। और देखो मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ, ऐसे रखना है मुझे। और ये अतनु भी रेडी। हमेशा अतनु लास्ट में क्यों आता है? क्या हाँ क्या 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 नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं मैं बोल रही थी अतनु लास्ट में क्यों आता है? हमेशा लास्ट में आता है ना। और अभी बाहर हो रही है बारिश, तो बारिश में हम लोग ड्राइविंग का मजा लेंगे, है ना? यस। बहुत दिनों के बाद और अतनु को बारिश में ना कार ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता है। कृति को भी बहुत पसंद है। तो मम्मी को भी पसंद है ना? हाँ मम्मी को भी पसंद है। मम्मी को साइड में बैठना भी पसंद है, कार ड्राइविंग करना भी पसंद है। और नॉर्मली हम लोग ना रेड लेबल चाय यूज़ करते हैं, जो मसाला टी है वो। सो ये फर्स्ट टाइम हम लोगों को दिखा और मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा होगा, ऑर्गेनिक है। जब भी ग्रॉसरी का शॉपिंग करने आती हूँ ना, तो ये सब चीज़ें देखते देखते ना बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है। कभी कभी मैं ट्राई भी करती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ, लेकिन मुझे चीज़ों को देखना, चीज़ों के बारे में जानना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। सो ज़्यादा टाइम दे के ही मैं ग्रॉसरी का शॉपिंग करती हूँ। इस बार ज़्यादा ग्रॉसरी शॉपिंग हम लोगों को नहीं करना है क्योंकि सामान थोड़ा बहुत था, तो इसीलिए एक्स्ट्रा सामान का शॉपिंग ज्यादा हो गया है इस बार। हेलो मेरे ना
पहले हम लोग रोला हाइपर मार्केट जाते थे, लेकिन वो हमारे घर से काफ़ी दूर था, काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत दूर था। बट ये जो अभी सुपर मार्केट है ना, फैमिली चॉइस, ये हमारे घर के बहुत ही पास है। सो ग्रॉसरी का शॉपिंग हम लोग कभी भी आ सकते हैं, जैसे रात को भी आते हैं 8 बजे के बाद, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो ये एक हेल्पफुल हुआ है बहुत ज़्यादा हमारे लिए। और आप सब ने तो देखा ही है कि जब भी हम लोग ग्रॉसरी का शॉपिंग करने आते हैं तो सब साथ में ही आते हैं। इससे कृति को भी थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। और जब भी वो यहाँ पे आती है ना, इस जगह पे आके वो खड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे सॉफ्ट टॉयज़ है जो देख के उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इतने सारे कलर में उसको पिंक कलर ही मिला, सो पिंक कलर उसका चॉइस है। अभी हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, है ना? बारिश में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है, बाद में पता चलेगा कितना मजा है। इसमें आज ना मन किया, हम लोग चोकोबार खा रहे हैं, मैं मैंगो खा रहा हूँ। इतना मैंगो खा रहे हैं। तो कल हमने ये कुछ शॉपिंग किया है, ओ ये हमने लिया है। ओह, इसका एक कवर भी है, देखो। वाह, बहुत अच्छा है, है ना? हाँ, खराब नहीं होगा। हाँ, वही। ये खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा सिस्टम है ये। ये ना मतलब बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं था कि इस तरह से कवर कर सकते हैं। नाइस, है ना? बहुत अच्छा लगा। तो ये मैंने एक्चुअली, मुझे घर को मतलब वॉल क्लीन करने के लिए चाहिए था। मंदिर के ऊपर थोड़ा सा गद्दा हो गया है, मतलब स्पाइडर है। हाँ, स्पाइडर वो सब हो गया है, तो उसको क्लीन करने के लिए मुझे चाहिए था। सो ये हमने लिया है। इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, इसका प्राइस 226 226। हाँ, सो और एक मैंने लिया है, वो है ये दो प्लेट मैंने लिया है। एक्चुअली ये इस टाइप का प्लेट मेरे पास नहीं था, था बहुत पहले था, उसके बाद हमने सारा कुछ रिजेक्ट कर दिया था। एक्चुअली पीछे का पोर्शन ख़राब हो जाता है उसका। सो ये मैंने इसलिए रखा है कि मैं अगर थोड़ा बहुत स्नैक्स सर्व करूँ, या मतलब किसी को थोड़ा सा नाश्ता वगैरह देने के लिए, थोड़ा पूरी सब्जी देने के लिए, ऐसे ही हाथ में लेके खा सकते हैं, ज़्यादा भारी भी नहीं है। सो मैंने ये दो लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। वैसे मेरे पास सिरेमिक का बहुत सारा प्लेट्स है तो इसके लिए, और ये थोड़ा मतलब हेवी टाइप का ही है, मतलब एकदम से पतला नहीं है, प्लास्टिक का है बट इतना पतला नहीं है। सो ये मैंने लिया है। इसका डिज़ाइन और कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, स्क्वायर शेप पे है। हाँ, सो इसका प्राइस मैं बता दूँ, ये भी 265 है, मतलब एक एक का प्राइस 265 है। ज़्यादा है या कम ये मुझे नहीं पता, मुझे एक्चुअली दो ही चाहिए था, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए था, तो मैंने ले लिया है। अच्छा, उसके बाद हमने लिया है ये कार में रखने के लिए, कार फ्रेशनर। हाँ, ये अच्छा स्मेल है। अच्छा स्मेल, फ्रेश, फ्रेश, हाँ। एक, हाँ। ये अतनु ने एक सेविंग फोम लिया है, और ये मैंने एक डियो लिया है, पता नहीं इसका, हाँ परफ्यूम, हाँ परफ्यूम नहीं, ये डियो है ना? इसका नाम है ओके। और ये कृति ने लिया है एक मतलब अपने पैर को क्लीन करने के लिए, इसीलिए पिंक कलर का है, लेकिन ये मुझे ज्यादा जरूरत है इसका। सो ये हमने लिया है एक ओके। तो और कुछ ज्यादा मतलब शेयर करने लायक नहीं है, जैसे मैंने ये डिश वॉशर लिया है, हाफ पिक लिया है जो मंथली ग्रोसरी में आता है। सो ये कुछ लिया है, ये सब इसमें है बस। और एक जन आ गया देखने के लिए, वो भी हाथ बढ़ा रही है। और ये डेटॉल लिया है छोटा सा, और इसमें है ब्लीचिंग। एक चीज गलती हो गया, हम लोग का कॉटन लेना था, घर में कॉटन नहीं है। मैंने याद किया था बट भूल गए। इसमें ब्लीचिंग पाउडर है बाथरूम क्लीनिंग के लिए, और एक बैग है। ज्यादा कुछ इस बार नहीं लिया है हमने, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें ग्रोसरी शॉपिंग में। ये वही सोप है, रेड लेबल टी है, और दाल वगैरह है, सारा कुछ, जीरा पाउडर वही जो नॉर्मली चाहिए होता है, ये डव है सोप, ये
और ये है हाँ ये मैंने निकाल के यूज़ कर लिया था, तो सेवई का जो खीर है ना वो मैंने बनाया था कल। और डिटर्जेंट है, ओ ये कब लिया? ये हाँ कृति ने लिया क्या? जिसको लेना है वही ले लेना। अच्छा बस और कुछ नहीं, सो बस यही था मेरा मंथली ग्रोसरी। बस और कुछ नहीं है? नहीं और कुछ नहीं है। और ये भी एक है। ये सब कब आया मुझे दिखा ही नहीं। और ये जो मेरा फेदर वाला कुशन कवर है ना, इसको वॉश करने के बाद इस तरह से कॉम्ब की मदद से मैं इसको कॉम्ब कर देती हूँ, तो ये पहले जैसा था वैसा ही हो गया है। ये एक्चुअली मेरे लिविंग रूम पे जो सिंगल सीटर सोफ़ा है ना उसमें था। जो मैंने बोला ना कि मैंने कुछ अपने लिए शॉपिंग किया है, सो वो है ये मैंने अपने लिए शॉपिंग किया है। फर्स्ट टाइम देख के ना मुझे इतना अच्छा लग गया कि मैंने ये ले लिया है। और वहाँ पे ना सारे लेडीज़ का सनग्लासेस था, तो इसके लिए अतनु के लिए नहीं ले पाए। और अतनु चुप रहा है, क्यों? अतनु को गर्मी लग रहा है। मेरे को हमेशा गर्मी लगती है। हाँ तो अतनु को गर्मी लग रहा है, इसीलिए अतनु अपने यूनिवर्सल ड्रेस में आ गए हैं। हमारे को भी गर्मी लगता है। हाँ कृति को भी गर्मी लगती है। हमारे घर में ना दोनों ही एकदम सबको गर्मी लगता है। नहीं सबको नहीं लगता है, मुझे ठंड लगता है। उमारी को ठंडा नहीं लगता। किसको? उमारी को। उमारी कौन? उमारी कौन? उमारी। ओके तो चलिए अभी मैं जाऊंगी डिनर बनाने के लिए। डिनर मतलब रोटी ही बनाना है, सब्जी ऑलरेडी बना हुआ है। और अभी 9:30 कोटा बजे हो 10:00 बजे गए 9:50। ओ माय गॉड। चलो अभी मैं जाऊंगी रोटी बनाने के लिए, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे और आज का दिन उसको खत्म करेंगे। एक घोर जलता है, एक तो सिनेमा से, एक तो हिंदी सिनेमा से बना, एक घोर जाता है, एक तो मिले। अच्छा घोर जाता। ओके तो चलिए आज का व्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं। और आज का हमारा ये व्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो क्या करना है? क्या दिखाना है? बुला नहीं गई क्योंकि वो गई थी ना एकदम शॉपिंग के मूड में थी वो, तो मैंने घर सामने। अच्छा ये उसने इसको इरेज किया है, दिख नहीं रहा है। अभी दिख रहा है, देखा कितने डिजाइन से उसने इसको इरेज किया है, सॉरी शार्प किया है। यही सब चलता है कृति का पढ़ते टाइम। ओके तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग ये एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। Is it?